नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके न्यूमेरो चार्ट में कुछ नंबर मिसिंग है तो उसको आप थ्रू क्रिस्टल्स कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा, आई विल बी टेलिंग यू कि क्या किस नंबरों के लिए क्या क्रिस्टल यूज करें और हाउ टू यूज इट, बिकॉज देर इज अ वे हाउ टू यूज द क्रिस्टल्स, हाउ टू क्लेंज द क्रिस्टल्स, और उसको अपने इंटेंट के थ्रू उसको कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो ना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्रिस्टल्स आप देखोगे कि मार्केट में मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। टम्बल के फॉर्म में अवेलेबल हैं, क्लस्टर के फॉर्म में अवेलेबल हैं, रॉ फॉर्म में अवेलेबल हैं, और बीड्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं जो कि ब्रेसलेट में यूज होते हैं। तो इजिएस्ट वे इज टू यूज थ्रू ब्रेसलेट। तो आप ब्रेसलेट के थ्रू यूज कर सकते हो, बाकी तरीके से भी यूज कर सकते हो। उसको यूज करने के तो तरीके थोड़े से अलग है। आई विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन हाउ टू यूज इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट और बीड्स के फॉर्म में कैसे यूज करें। तो अगर आपके पास नंबर वन मिसिंग है, नंबर वन सन का नंबर है और अगर वो मिसिंग है, तो आप देखोगे कि पर्सन में लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन थोड़ा लैक करता है, लीडरशिप क्वालिटीज लैक करती है। तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं सनस्टोन, इज वेरी इफेक्टिव क्रिस्टल। ये आपके लाइफ में अगर आपका कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क चल रहा है और आप उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज सनस्टोन। आपके लाइफ में सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, लीडरशिप स्किल्स बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एक्सप्रेशन पावर बढ़ाएगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की पावर बढ़ाएगा सनस्टोन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नंबर टू, नंबर टू में यू कैन यूटिलाइज मून स्टोन। तो मून स्टोन क्या करता है कि जो चंद्रमा की क्वालिटीज आपके पास नहीं आ पाई हैं, बिकॉज यू इतनी स्ट्रांगली नहीं आ पाई हैं, बिकॉज कि अगर आपके पास नंबर टू नहीं है या नंबर टू पीड़ित है, मल्टीपल टूज हैं, तो ये स्टोन आपको कैसे हेल्प करेगा। ये स्टोन आपके लाइफ में चंद्रमा की एनर्जीज को बैलेंस करेगा, आपके लाइफ में क्रिएटिव स्किल्स बढ़ाएगा, आपके लाइफ में इंट्यूटिव स्किल्स बढ़ाएगा, आपके लाइफ में इमोशनल इंपैक्ट, इमोशनल पावर लाएगा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लाएगा, इमोशनल बैलेंस लाएगा। नॉट टॉक अबाउट नंबर थ्री। नंबर थ्री में हम सिट्रीन यूज करते हैं, येलो सिट्रीन। येलो सिट्रीन बेसिकली क्या होता है कि आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, अबंडेंस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाता है, आपके लाइफ को पुश करता है कि आप सक्सेस की तरफ बेसिकली आपके आपको पुश करता है ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। सो दिस इज द क्रिस्टल विच यू कैन यूज इन केस योर नंबर थ्री इज मिसिंग। नंबर फोर अगर मिसिंग है तो बेसिकली नंबर थ्रू फोर राहु का नंबर है। तो अगर ये नंबर मिसिंग है तो आप यूज कर सकते हैं टाइगर आई। टाइगर आई आपको नेगेटिविटी से बचाता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांगली बिल्ड करता है, विल पावर को स्ट्रांगली बिल्ड करता है। जो चीजें आप अपनी खुद की नहीं मांग पाते हैं, वो तो आप इट गिव्स योर पावर टू एटलीस्ट बी डिमांडिंग फॉर एटलीस्ट फॉर योर ओन ओन थिंग्स। बहुत से लोग आप देखोगे तो जो चीजें चाहिए उसको तो मांग नहीं पाते हैं, हालांकि खुद की भी कुछ चीजें दे चुके होते हैं किसी को और वापस भी नहीं मांग पाते। इट गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू पावर ऑफ असर्टिवनेस, मेक्स यू असर्टिव। नंबर फाइव एक एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप लोसो ग्रेड में देखोगे तो नंबर फाइव बीच में आता है, सारे नंबरों को बैलेंस करता है, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करता है, आपकी पावर्स को बैलेंस करता है, आपकी कनेक्टिंग पावर्स को बढ़ाता है, आपके सारे जो जो प्लैनेट्स हैं उनको उनकी सिनर्जेटिकल इंपैक्ट को बढ़ाता है, उनकी सिनर्जेटिकल पावर को बढ़ाता है। व्हाट यू कैन यूज फॉर नंबर फाइव, यू कैन यूज ग्रीन एवेंचुरी, जेड और पेरिडॉट। तीनों ही ग्रीन क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। दिस इंक्रीज द बैलेंस इन लाइफ, लक इन लाइफ, अबंडेंस इन लाइफ, और जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट वे में कैसे यूज कर सके, किसी से हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू कनेक्ट विद रिसोर्सेस टू मूव टूअर्ड सक्सेस, ये
क्वालिटी आपको ये नंबर, ये ग्रीन स्टोन या ग्रीन क्रिस्टल या ग्रीन एवेंचुअली ये आपको देता है। नंबर सिक्स, नंबर फाइव इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल और नंबर सिक्स इज ऑल्सो क्रिटिकल। नंबर फाइव और सिक्स वैसे ही आपके पास है तो काफी आधी जंग तो आप ऐसे जीत चुके होते। तो अगर आपके पास नंबर सिक्स नहीं है तो यूजली व्हाट डू पीपल यूज, यू पीपल यूज पाइराइट। आप देखोगे पाइराइट इज वेरी फेमस क्रिस्टल, बहुत से लोग यूज करते हैं टू एनहांस द अबंडेंस, द वेल्थ, लक, अचीवमेंट, सक्सेस, रिचनेस। पाइराइट भी यूज करते हैं, गोल्डन हेमेटाइट भी यूज कर सकते हैं आप। ये आपके लाइफ में खुशियां, अबंडेंस को बढ़ाता है, वेल्थ को बढ़ाता है, किस्मत को आपके उजागर करता है, आपके जो मटीरियलिस्टिक सक्सेस है उसको बढ़ाता है। नंबर सेवन, नंबर सेवन अगर मिसिंग है तो क्या मिसिंग होगा आपके लाइफ में? थोड़ी विजडम कम होगा, थोड़ी डीप इंसाइट्स कम होगी, थोड़े स्पिरिचुअलिज्म मतलब जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा कम होता है। तो बेसिकली नंबर सेवन आपको ये सारे गुण देता है। तो अगर केतु पीड़ित है तो आप कैट से यूज कर सकते हो। नाउ नंबर एट, एमेथिस्ट। फॉर नंबर एट यू कैन यूज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इज स्टोन विच इज एसोसिएटेड विद योर थर्ड आई, थर्ड आई चक्र। ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है, इंट्यूशन को बढ़ाता है। और ओवरऑल आपके लाइफ में बेटरनेस लाता है, बिटरनेस नहीं, बेटरनेस लाता है, आपकी अच्छाइयों को बढ़ाता है। मनी मैनेजमेंट की स्किल्स लाता है, जो नंबर एट के पॉजिटिव इंपैक्ट है उनको लाता है। नंबर नाइन अगर मिसिंग है तो नंबर नाइन यानी मास, सो व्हाट यू नीड टू यूज, यू नीड टू यूज रेड जेस्पर। रेड जेस्पर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर रूट चक्र। तो रेड जेस्पर आपके लाइफ में सिक्योरिटी, बैलेंस, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, थर्स्ट पावर, जो आपके पास अगर नंबर नाइन नहीं है तो जो एनर्जी, जो फायर, जो पावर कई बार चाहिए होती है वो नहीं होता है, वो रेड जेस्पर कैंपस कंपनसेट करता है। सो अब ये सारे क्रिस्टल को यूज कैसे करना है? तो बेसिकली आप ब्रेसलेट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर दो तीन नंबर मिसिंग है तो उनके उन क्रिस्टलों का को मिक्स करके आप ब्रेसलेट बना सकते हो। एक ब्रेसलेट में दो से तीन तीन क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो, तीन से चार भी यूज कर सकते हो। अगर सिंगल आप यूज करो तो बेटर रहेगा, इट इम्पैक्ट विल बी मच बेटर। बट अगर आप सारे तीन चार ब्रेसलेट नहीं पहन सकते हो तो एक ब्रेसलेट में दो तीन क्रिस्टल्स को मिक्स करके यूज कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है? तो बेसिकली जब आप क्रिस्टल लाते हैं तो इसके सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेंजिंग। उसकी क्लेंजिंग करनी बहुत जरूरी है। तो क्लेंजिंग करने के दो तीन तरीके हैं। आप मून लाइट में, जिस दिन फुल मून होता है, आप उस रात को इसको फुल मून में रख के इसको क्लेंजिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग के जो सनलाइट होती है उससे भी तो काफी हद तक क्लेंजिंग हो जाती है। अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी में हैं, रेकी में हैं, सांभवी हीलिंग में हैं, किसी भी हीलिंग मोडालिटी में, तो उसके थ्रू भी आप इसे हील कर सकते हैं, क्लेंज कर सकते हैं। नमक पानी से, नमक के पानी से, सॉल्ट वाटर से इसे हील इसे क्लेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सेलेनाइट क्रिस्टल, एक होता है सेलेनाइट की प्लेट मिलती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसके ऊपर इस क्रिस्टल्स को रख दें तो ये आपको ओवरनाइट इसकी क्लेंजिंग हो जाती है। तो बेसिकली इसको एक दो महीने में, 3 महीने में इसकी क्लेंजिंग करनी भी जरूरी होती है ताकि इसकी पावर बनी रहे। और एक बार आप क्लेंज कर देते हैं तो फिर इसको क्या करना है, फिर आपको अपने उन क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेके अपने इंटेंट देने हैं, उसको प्रोग्राम करना है बेसिकली। तो जैसे आपने सपोज ग्रीन एवेंचुरिन लिया है तो उसको अपने हाथों में रखिए और उसे क्रिस्टल से रिक्वेस्ट करिए, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी कनेक्टेड विद माय ऑरा एंड प्लीज हेल्प मी विद लक, अबंडेंस, बैलेंस, प्रोस्पैरिटी। और इस तरह से आप अपने लिए उन क्रिस्टल को प्रोग्राम कर सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स एक एनर्जी बींग हैं जिनको आपको अपनी इंटेंट देनी होती है कि आपको चाहिए क्या। तो दिस इज द बेस्ट वे
टू मेक देम वर्क, अदरवाइज आपने क्रिस्टल अगर लेके आके पहन लिया तो शायद उतने इफेक्टिव ना हो जितने हो सकते हैं विद अ प्रॉपर क्लेंजिंग एंड गिविंग वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम देम. प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग सच अमेजिंग वीडियो इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.